आज महान समाज सुधारक और बंगाल के पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय की जयंती है। उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में राजा राम मोहन राय ने बांग्ला, फारसी, अरबी और संस्कृत सीख ली थी। वे सभी तरह की धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास के पक्के विरोधी थे। इससे राजा राम मोहन राय और उनके परिवार के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने घर छोड़ दिया और हिमालय का भ्रमण किया। इस दौरान वे तिब्बत भी गए। घर लौटने से पहले उन्होंने व्यापक भ्रमण किया। घर वापस आने पर राजा राम मोहन राय के परिवार ने इस आशा में उनका विवाह कर दिया कि वे बदल जाएंगे, लेकिन इसका राजा राम मोहन राय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे वाराणसी चले गए और वहाँ वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। 1803 में पिता की मृत्यु के बाद राजा राम मोहन राय मुर्शिदाबाद वापस आए। उन्होंने कलकत्ता में महाजन के रूप में कार्य किया। 1809 से 1814 तक राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में सेवा की। राजा राम मोहन राय ने 1814 में आदमीय सभा बनाई। आदमीय सभा ने समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू करने के प्रयास किए। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह और संपत्ति में महिलाओं के अधिकार सहित महिला अधिकारों के लिए अभियान चलाया। उन्होंने सती प्रथा और बहुविवाह प्रथा का कड़ा विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने समाज में खास तौर से महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया। 1882 में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित विद्यालय की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मो सभा की स्थापना की। इसके माध्यम से वे धार्मिक पाखंड को बेनकाब करना चाहते थे। उनके प्रयास सफल हुए और सती प्रथा का उन्मूलन हो गया। राम मोहन राय को 1831 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा का खिताब दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए राजा राम मोहन राय को मुगल साम्राज्य का दूत बनाकर ब्रिटेन भेजा कि सती प्रथा के उन्मूलन के लिए बनाए गए बंगाल सती विनियमन 1829 को न बदला जाए। इसके अलावा राय ने ब्रिटेन के राजा से ये आग्रह भी किया कि मुगल शहंशाह का भत्ता बढ़ाया जाए। 27 सितंबर 1833 को ब्रिटेन यात्रा के दौरान ब्रिस्टल के निकट स्टेपलेटन में मेनिनजाइटिस से उनका निधन हो गया। स्टेपलेटन ग्रोव्स में ही शुरू में उनको दफनाया गया। बाद में उन्हें पुनः 1843 में नजदीकी आर्नोस वेल सिमेट्री में दफनाया गया, जहां आज भी उनका मकबरा है। आज हम भाई लाल दाजी भाई पटेल को भी स्मरण कर रहे हैं। वे गुजरात के खेड़ा जिले के पटीज के निवासी थे। उन्होंने मई 1930 में दांडी से दक्षिण में 25 मील दूर धारसाना में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी ने धारसाना नमक कारखाने पर छापा मारने का फैसला किया। उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन को लिखा और उन्हें इस योजना के बारे में चेतावनी दी। योजना पर अमल करने से रोकने के लिए 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और बिना मुकदमा चलाए ही पूना के निकट नजरबंद कर दिया गया। लेकिन गांधी जी की योजना के अनुसार ही धारसाना सत्याग्रह आगे बढ़ा। 76 वर्ष के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्बास तैयब जी के नेतृत्व में कस्तूरबा गांधी के साथ मार्च आगे बढ़ा। धारसाना पहुंचने से पहले ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने की कैद में भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद भी सत्याग्रहियों ने सरोजनी नायडू के नेतृत्व में मार्च जारी रखा, जिनमें दाजी भाई पटेल भी थे। सशस्त्र बलों ने 22 मई 1930 को स्टील की नोक वाली लाठियों से सत्याग्रहियों पर प्रहार शुरू कर दिया। इस घटना में भाई लाल दाजी भाई पटेल को गंभीर चोटें आईं और आधे घंटे के अंदर ही उन्होंने मौके पर दम तोड़ दिया। इस महान स्वाधीनता सेनानी को भावभीनी श्रद्धांजलि।